यह खबर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन किसानों ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ज्वार और बाजरा की फसल लगाई है, अब सरकार उनके पंजीयन करना शुरू कर दिए है ताकि उनका समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा आसानी से बिक जाए। इसके लिए जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर किसान पहुंचकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों को 4 दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्य है। इन 4 दस्तावेजों के माध्यम से किसानों की फसल का पंजीयन होगा, जिसके बाद खरीदी शुरू हो जाएगी। लोकल 18 की टीम को खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे और रेणुका कृषि उपज मंडी के केंद्र प्रभारी नरेंद्र निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 10 केंद्र पर पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर किसान ज्वार और बाजरा का पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे, जिसके बाद जैसे ही खरीदी की तारीख आती है उस समय किसानों से खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। समर्थन मूल्य पर ज्वार 3371 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी, बाजरा 2625 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष 3180 रुपये ज्वार खरीदी गई थी और बाजरा 2500 रुपये क्विंटल खरीदा गया था। इस बार 191 रुपये ज्वार पर और बाजरा पर 125 रुपये बढ़ाए गए हैं। केंद्र के प्रभारी का कहना है कि सबसे पहले किसान को आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक की पासबुक और खेत की बही लाना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से ही उनका पंजीयन होगा। जवाहर और बाजरा का पंजीयन शुरू हो गया, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे किसानों? पंजीयन कराने के लिए किसान को समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक लेती है उसकी फोटोकॉपी और खेत की बही। खेत की बही ना हो तो खसरा भी चल जाता है। और जिन्होंने मुनाफे पे लगाई तो मुनाफे से उनके पास एक लिखा पड़ी रहती है मुनाफे की, मुनाफा चिट्ठी, उसके आधार पर किसान का पंजीयन हो जाए। जिले में कितने केंद्र बने हुए हैं? जिले में पंजीयन के लिए 10 केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर कौन से समिति बने हैं? यहाँ पर एमआरपी समिति द्वारा पंजीयन किया है। कहाँ पर आना पड़ेगा जिले में किसान दुकान? किसानों को पंजीयन के लिए सुविधा दी गई है कि हर क्षेत्र में 10 जिले में 10 पंजीयन केंद्र है। किसान एरिया में जाते हैं, शाहपुर के अंदर एक पंजीयन है, निम्बुला के अंदर निम्बुला समिति कर रही है, दरियापुर में दरियापुर समिति है, तो कोथड़, घटना, दुलकोट, ये सभी एरिया में पंजीयन सेंटर बनाए। क्या नाम होगा? किसान ऑनलाइन भी पंजीयन करवा सकते हैं। क्या नाम? नरेंद्र कंडा।